अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग आए हैं तोरिनो। तो फ्रेंड्स, हम लोग कोई सैर व तफरी करने तो बिल्कुल भी नहीं आए। आपको सुन के हैरत होगी कि हमारा आज यहाँ पे एक टेस्ट था, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे तोरिनो आए। अब आप सोचेंगे कि ये नोवारा में होती है, तो टेस्ट के लिए तोरिनो कैसे आई। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि यहाँ की जो मेडिकल सर्विसेज हैं वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं हैं। अगर आप आज बीमार होते हैं तो ये जाके आपको तीसरे दिन आपका चेकअप होगा, तो फिर चौथे दिन जाके आपकी दवाई आपको मिलेगी, या तो आपको टेस्ट लिख के दे दिए जाएंगे जो कि एक एक महीने की अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, तो फिर उसके बाद आपके जाके टेस्ट होते हैं। बिल्कुल मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। तो फ्रेंड्स, मुझे थोड़ी सी ना डस्ट एलर्जी थी, जिसकी वजह से मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई। और मैं जब क्लिनिक गई तो उन्होंने मुझे टेस्ट लिख के दे दिया, जो कि जिसकी मुझे अपॉइंटमेंट लेनी थी, और वो अपॉइंटमेंट एक महीने की थी और वो तोरिनो में थी। फिर फ्रेंड्स, अब एक टेस्ट के लिए हमने एक महीना इंतज़ार किया, और तोरिनो जो था वो नोवारा से तकरीबन 1.5 घंटे के फासले पे था। फिर हम लोग उस टाइम तक तो हेयर बना ठीक भी हो जाता है। अब आप इनसे मतलब पूछे कि मैं बीमार आज हूँ तो दवाई क्या मुझे एक महीने बाद मिलेगी। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल ऐसा ही है, इनका जो मेडिकल सर्विसेज हैं इनकी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ठीक है, ये लोग इलाज अच्छा करते हैं, लेकिन इतना लेज़ी, इतना सुस्त इंसान मैं कहती हूँ, बंदा पता नहीं क्या टकरे मारे जाके बंदा। तो फिर हम लोग यही करते हैं कि हम लोग घर में ही घरेलू टोटके करके तब तक तो हम लोग बिल्कुल ठीक हो चुके होते हैं। खैर फ्रेंड्स, आप ये लोग देखें कि ये तो रिनो के चैंत्रों में थे हम लोग, तो काफ़ी प्यारा भी था, अच्छा भी था, हमें तो यहाँ पे बस मज़ा आया। तो आप लोग भी वीडियो में देख सकते हैं कि ये तो काफ़ी खूबसूरत है। सो फ्रेंड्स, अगर तोरिनो की बात की जाए तो ये रोम, मिलान और नेपल्स के बाद इटली का चौथा सबसे बड़ा शहर है, और इतना ही खूबसूरत भी है, और ये काफ़ी हिस्टोरिकल है। लेकिन मैं तो इसकी हिस्ट्री ज़्यादा नहीं जानती, तो चले नेक्स्ट वीडियो में जब कभी दोबारा मेरा चक्कर लगा तो मैं आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में भी बता दूँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, अगर हो सके तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कीजिएगा। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।